माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने शनिवार को 10वीं एवं 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए। परीक्षा परिणाम के मुताबिक 10वीं कक्षा में 500 में से 486 अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान सिवनी मालवा के ग्राम राजोरा कुर्मी की पूजा गौर पिता प्रवीण गौर ने प्राप्त किया है, जिसके बाद शुक्रवार शाम टेगोर पब्लिक स्कूल में पूजा के प्रथम स्थान पर आने पर स्कूल परिवार की ओर से पूजा को बाजे गाजे के साथ स्कूल में ले जाया गया। वहीं स्कूल की प्राचार्य दीपाली अवस्थी के द्वारा छात्रा की आरती उतार उसको माला पहना बधाई दी गई। चर्चा के दौरान पूजा ने बताया कि सामान्यतः लोग बोर्ड परीक्षाओं में दिन दिन भर पढ़ाई करते हैं, ऐसी पढ़ाई मैंने बिल्कुल नहीं की है। एक घंटे से ज्यादा पढ़ाई करने की कैपेसिटी नहीं है मेरी, तो एक एक घंटे करके पढ़ाई की है और लोड लेकर पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है। पूजा बताती है कि 10वीं का जो बेस होता है वो 9वीं में ही क्लियर हो जाता है, तो समझकर पढ़ाई की है तो समस्या नहीं आई है। उन्होंने बताया कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं ऑनलाइन पढ़ाई अपने भाई के मोबाइल से करती थी। टेगोर पब्लिक स्कूल के द्वारा स्कूल में सबसे अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को 5000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की गई थी। पूजा की इस उपलब्धि पर उनको पुरस्कार दिया जाएगा। सर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। किस प्रकार की और कैसे तैयारियां की? नॉर्मली जो बोर्ड में दिन दिन भर जो पढ़ाई होती है वो मैंने बिल्कुल भी नहीं की है, मतलब एक घंटे से ज्यादा पढ़ने की कैपेसिटी भी नहीं है मेरी, तो एक एक घंटे करके पढ़ाई की है और ज्यादा लोड लेकर पढ़ाई नहीं की है। एक्चुअली 10th का जो बेस रहता है वो 9th में क्लियर हो जाता है, तो समझ कर पढ़ाई की है तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है फिर 10th में पढ़ने में। ये बताइए आपकी उम्र के जो बच्चे हैं वो तो खास कर आजकल देखा है मोबाइल्स वगैरह में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में, लेकिन उसके बावजूद भी देखते थे सोशल मीडिया पे? पर्सनल मोबाइल नहीं है मेरे पास, मैंने ऑनलाइन जो एजुकेशन अभी कोविड में हुआ था वो अपने भाई के मोबाइल से कंडक्ट की थी क्लासेस, इसलिए मोबाइल का यूज बस क्लासेस के लिए किया है, बाकी मैंने मोबाइल का कोई यूज नहीं किया है। चलिए आप होशंगाबाद जिले की धर्मनगर जिले की प्रेरणा है, तो आपको जो लड़के या लड़कियां फॉलो करेंगी क्या मैसेज देना चाहेंगी, कैसे तैयारियां करें, कैसे पढ़ें? रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी बोर्ड जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें समझ अगर समझा होगा क्लास में तो ही आंसर्स कर पाएंगे, वरना रट के कुछ नहीं हो पाएगा पेपर्स में, इसलिए क्लासेस पे पूरा फोकस करना है और कंटिन्यू क्लासेस ज्वाइन करना है। मोबाइल कितना यूज करना है? मोबाइल अब ऑनलाइन अगर क्लासेस लगते हैं तो फिर क्लासेस तो रेगुलर ज्वाइन करना पड़ेगा। स्कूल के स्टाफ का और टीचर्स का, पेरेंट्स का? टीचर्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने के बाद कोई भी स्कूल इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करते, मतलब बच्चे अपने हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं फिर बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने के बाद, लेकिन यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम्स के गैप थे उसमें भी टीचर्स ने और प्रिंसिपल मैम ने बहुत सपोर्ट किया है, जो भी डाउट्स थे वो गैप्स में क्लियर किए हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना है और सर्जन बनना है।